भारत में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का मुख्य आर्च का काम पूरा हो गया है और ये अपने आप में हम कह सकते हैं रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा जोरदार खबर है। और स्ट्रेटजिक महत्व के इस पुल के बन जाने से पूरी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी, तो ये इस इलाके के लिए बड़ी खबर है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए एक लंबे समय से सपना देखा जा रहा है और ये जो मुख्य आर्च पूरा किया गया है, यानी ये जो आर्च है इसको पूरा कर दिया गया है, इसके बाद बड़ी तेजी से इस पर काम किया जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले एक साल में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और एक टारगेट रखा गया है कि 2022 यानी अगस्त 2022 तक कोशिश की जा रही है कि कश्मीर को पूरी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा जाए। देखिए किस तरीके से खूबसूरत सा दृश्य है, ये खूबसूरत नजारा है और ये जो आर्च बनाया गया है ये एक बड़ा संदेश देता है। ये बड़ा संदेश इसलिए देता है क्योंकि भारत चीन बॉर्डर तक पहुंचने में बड़ी आसानी से समय कम लगेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी और आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर आपको ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी। आखिरकार किस तरीके से ये रेल प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो रहा है, सुनिए रेलवे की ये रिपोर्ट। देश का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर को प्रगतिशील और समृद्ध बनाने के लिए भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर रेलवे द्वारा बनाई जा रही उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसके पूर्ण होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। 27,949 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 272 किलोमीटर लंबा यह रेल लिंक हिमालय की ऊंची पहाड़ियों गहरी घाटियों के बीच से गुजर रहा है, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लिंक को पूरा करने के लिए 927 पुलों 38 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही परियोजना के लिए 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क का निर्माण किया गया है। इससे क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख लोगों को सड़क मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है कटरा बनिहाल सेक्शन पर उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरा किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1,315 मीटर है और इसके कुल 17 स्पैन हैं। मुख्य आर्क का कुल वजन 10,619 मेट्रिक टन है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा का सामना करने में सक्षम है। दुनिया में पहली बार DRDO की सहायता से इस पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसे बड़े से बड़े भूकंपों से सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है। साथ ही पहली बार भारत में पुलों को वेल्डिंग निरीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसमें की गई वेल्डिंग लेंथ का टोटल लगभग 584 किलोमीटर है, जो कि नई दिल्ली से जम्मू तवी के बीच की दूरी के बराबर है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी फाउंडेशन S4 का आकार किसी फुटबॉल ग्राउंड के एक तिहाई के बराबर है। ब्रिज के निर्माण कार्य में सहायता के लिए 915 मीटर लंबी केबल क्रेन नदी के आर पार स्थापित की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी केबल क्रेन है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य में 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में
वेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। उत्तर रेलवे ने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में चिनाब ब्रिज के आर्क के कार्य को करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा यह इंजीनियरिंग चमत्कार विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और आत्मनिर्भरता को साबित कर रही है और यह रेल लिंक एक रेल एक भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रहा है। आइकॉनिक चिनाब ब्रिज भारत की प्रमुख रेल संरचनाओं में से एक है जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण रणनीतिक महत्व रखने वाले इस क्षेत्र के लिए यह रेलवे लाइन देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। इस रेल लाइन पर सभी मौसमों में आरामदायक सफर और समय की बचत के साथ जम्मू और कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। साथ ही इस परियोजना से पर्यटन उद्योग अपनी पूरी गति से बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। उत्तर रेलवे का यह कदम जम्मू कश्मीर के विकास को गति देगा, जिसके बाद कश्मीर घाटी भारतीय रेल नेटवर्क के नक्शे पर सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन साबित होगी।